हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 इंग्लिश के एक इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश से बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाने वाले एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये टॉपिक है पैसेज। आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज जो है 8 मार्क का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलिए, एक मैंने पैसेज लिया है स्टूडेंट, उसका हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जो कि आपको 8 नंबर देगा, 8 नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, और शुभम लेक्चर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पैसेज सबसे पहले, फिर हम एक एक को लिखते हैं। देखिए, पैसेज आप लोग सबसे पहले पहचानिए कि किस चैप्टर से है, क्योंकि स्टूडेंट क्लास 12 इंग्लिश में दो पैसेज आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको एक करना होता है, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों में से कौन सा मैं पहचान सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ये पहले लेसन से मैंने लिया है, कैरेक्टर ऑफ योर हैप्पी लाइफ से। तो चलिए देखते हैं क्या है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट एन अदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। यानी कि सबसे पहले आप इसका हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हिंदी निकाल लेते हैं, ट्रांसलेट करना अच्छे से आता है, तो आप लोग आंसर बहुत ही अच्छे से लिख देंगे। देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, अभी मैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह हाउ हैप्पी कितना खुश है ही जो बॉर्न अपने जन्म से और टॉट अपनी शिक्षा से, यानी कि वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज हॉनेस्ट ऑनेस्ट थॉट, ठीक है। तो हुज आर्मर, जिसकी सुरक्षा कवच उसकी ईमानदारी के विचार है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्यता ही उसकी कुशलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको हिंदी निकालना है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें कभी कह क्या रहा है, तो अब हम उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में जब ऐसे आपको पैसेज दिया रहेगा, तो आपको ये पैसेज तो उतारना नहीं है, शायद आपको पता हो, पैसेज आपको नहीं उतारना है, इसको जो है डॉट डॉट करके आपको लिख देना है, सबसे पहली लाइन का दो अक्षर हाउ हैप्पी, और फिर लास्ट का अटमोस्ट स्किल, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपने कौन सा पैसेज किया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग रेफरेंस लिखते हैं बच्चों। तो रेफरेंस लिखना मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है तीनों को देखना है कि कैसे लिखते हैं। देखिए, रेफरेंस कैसे लिखते हैं बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग लिखेंगे इसमें पोएट्री में रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन, ठीक है, Have been taken from the lesson. अब लेसन का नाम आपको बच्चों यहां पर लिखना है, लेसन का नाम हम लोग लिख देते हैं यहां पर, तो ऐसे आप लोग कीजिए और लेसन का नाम लिखिए, थोड़ा सा ब्लैक पेंसिल लिख सकते हैं आप लोग, कैरेक्टर इसी प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। ऐसे अगर आपका कोई भी किसी भी रिलेशन से पैसे जाता है, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं रेफरेंस, ठीक है। तो कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ, समझ में आया। ये बच्चों हो गया आपका लेसन का नाम। अब देखिए आपको क्या लिखना है, लेसन का नाम तो आपने लिख दिया, रेफरेंस में लेसन का नाम और कवि का नाम लिखा जाता है। यहां पर लिखिए बच्चों कंपोज्ड बाय या फिर रिटन बाय लिखा गया है, ठीक है, कंपोज्ड बाय। अब जो इसके बच्चों वो हैं कौन, लेखक, उनका भी नाम आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, सर हेनरी वाटन, आप जिस लेसन का लिख रहे हैं उन्हीं का लेसन का नाम और वो लिखिएगा, ठीक है, कवि का नाम गलत मत कीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग लिख सकते हैं क्या, कवि का नाम और लेसन का नाम। अब आप लोग चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, जो करना चाहिए, आप लोग इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं स्केल की सहायता से, ठीक है, ताकि आप लोग को, एग्जामिनर्स को पता चल सके कि यहां पर जो है नाम दिया गया है,
कवि का और लेखक का रेफरेंस लिखना सीख गए। और रेफरेंस अगर आप लोग अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से रेफरेंस आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी। तो समझ में आया रेफरेंस कैसे लिखते हैं? दीज लाइन्स, जो लाइन्स है चारों बच्चों ऊपर यहाँ पर, ये हैव बीन टेकन, ली गई है फ्रॉम द लेसन, उस लेसन से जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी लाइफ, ठीक है। और कंपोज्ड बाय, यानी कि लिखा गया है सर हेनरी वार्टन जी के द्वारा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका रेफरेंस। अब हम लोग लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो होता है बच्चों, रेफरेंस का मतलब संदर्भ हिंदी में, कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग। तो कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग यहां पर लिखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डालना है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए, तभी ये आपके समझ में आएगा बच्चों। अब कॉन्टेक्स्ट को हेडिंग डालने के बाद आप लोग थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए ताकि अच्छा दिखे, बट आपको ब्लैक और ब्लू स्केच और पेन से यूज करने हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है बच्चों, जो आपको इस चारों लाइनों में कहा गया है, जैसे चारों लाइनों में जो मैंने आपको बताया है बच्चों, तो आप लोग लिखिए कॉन्टेक्स्ट में द पोएट, यानी कि जो कवि है बच्चों, डिस्क्राइब्स, ठीक है, डिस्क्राइब्स यानी कि वर्णन किया है द कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी मैन, ठीक है। उन्होंने जो है बच्चों एक खुश आदमी, ठीक है, का वर्णन किया है इस स्टैंजा में, और क्या कहा गया है, कुछ क्वालिटीज भी उन्होंने बताई है। तो लिखिए ही पॉइंट्स आउट, उन्होंने उठाया है या बताया है पॉइंट्स आउट, ठीक है, सम ऑफ यानी कि कुछ, अभी मैं हिंदी में बताऊंगा, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, और क्वालिटीज, ठीक है, क्वालिटीज फॉर ये हैप्पी लाइफ, ठीक है। इस प्रकार से आपको स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में बस इतना लिखना होता है स्टूडेंट कि इस स्टेंजा में बताया क्या गया है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको यही लिखना होता है। अब जैसे इस स्टेंजा में क्या बताया गया स्टूडेंट, द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी मैन, यानी कि जो कवि है वो डिस्क्राइब वर्णन करते हैं द कैरेक्टर ऑफ ये हैप्पी मैन, एक खुश आदमी का। तो इस स्टेंजा में बच्चों जो कवि हैं वो एक खुश आदमी के चरित्र का वर्णन करते हैं, और वो क्या करते हैं स्टूडेंट, ही पॉइंट्स आउट सम ऑफ द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ये हैप्पी लाइफ, यानी कि उन्होंने एक सुखी जीवन के कुछ गुणों को, कुछ आवश्यक गुणों को इसमें बताया है, इस लाइंस में बताया है कुछ आवश्यक गुणों को, जो कि एक हैप्पी मैन का होना चाहिए जो हैप्पी लाइफ जी रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया बच्चों, चार लाइन का आपका था ये पैसेज। चार लाइन में आपको मैंने हिंदी भी बताया कि क्या था ये पैसेज, मैंने रेफरेंस लिखना बताया, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, और उसके बाद में किस लेसन से लिया गया है, किस लेखक ने लिखा है, किस कवि ने इसको बताया, इस रेफरेंस में इसे लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा जाता है जो इसमें कुछ पॉइंट चारों लाइन में क्या पॉइंटेड है स्टूडेंट, क्या उन्होंने बताया है मेनली, उसको कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। अब बच्चों हमारा लास्ट हेडिंग आता है, वो है एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग सिंपली यहां पर हेडिंग डाल देते हैं एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कैसे लिखेंगे। तो बच्चों हमारा तीसरा हेडिंग जो है एक्सप्लेनेशन है। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है बच्चों व्याख्या। हमने क्या पढ़ा, संदर्भ यानी कि रेफरेंस पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग पढ़ा, और व्याख्या अब हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो व्याख्या में मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखने वाला हूं स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको शुरुआत करना है। तो इन दिस स्टैंजा या फिर इन दिस लाइन्स, ठीक है, इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स का मतलब पोएट ने वर्णन किया है, द पोएट डिस्क्राइब्स। अब आगे बच्चों आपको क्या लिखना है, जो इस चार लाइनों में बताया गया है कि इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, ठीक है, और उनके कुछ गुणों को बताया है, द पोएट सैड। ऐसे आपको जो है, अगर आप लिखना जानते हैं तो आप लोग पहले पोएम को पढ़िए,
उसके बाद में क्या कीजिए, स्टैंजा को आप आसानी से लिख सकते हैं जिस प्रकार हमने क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा जिससे आप लोगों का वेस्ट होगा टाइम, तो इसलिए आपको बच्चों एक्सप्लेनेशन खुद लिखना है और उसके बाद में जो जो स्टूडेंट लाइनें दी गई हैं चारों उनमें समझना है कि क्या हमें लिखना है, कुछ उसी से मैचिंग आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन में कि क्या कहा गया है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जो पोएम है स्टूडेंट चार लाइन का, उसको आपको हिंदी निकालना आना चाहिए और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा और याद आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग किसी भी पैसेज का क्या लिख सकते हैं, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट थे उसको बता दिया, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और 8 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते थे कि किस प्रकार से हम इस पैसेज को सॉल्व करेंगे, उनका आज जो है प्रॉब्लम दूर हो गया है। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहे, तो तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू।